और माय नेम इज़ संजय कुमार। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम स्प्रिंग बूट में कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं और उसको थ्रो कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया है और ये यहाँ पर स्प्रिंग स्टूडेंट कंट्रोलर हैं। यहाँ पे एक मैंने एंटिटी क्लास बनाई है, एक कुछ फील्ड्स दिए हैं, सिंपल से एक एंटिटी आप बना सकते हो, और कंस्ट्रक्टर दिया है गटर सेटर। ये स्टूडेंट का रिपोजिटरी है, यहाँ पे स्टूडेंट का जेपी रिपोजिटरी यूज़ किया है स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे एक मैंने एक स्टूडेंट का सर्विस बनाया है। तो यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेस हैं, सर्विसेस के अंदर बहुत सारे मैंने मेथड किया। और तो ये वीडियो आपने देखा नहीं कि किस तरीके से हमको स्टूडेंट फेच करना है, सेव करना है, डिलीट करना है, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो वहाँ से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं इस पर आ जाते हैं, इसमें हम सिर्फ एक्सेप्शन कवर करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक कंट्रोलर बनाया है स्टूडेंट का कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर यूज़ किया है, और यहाँ पर एक मैंने जो स्टूडेंट की जो सर्विस थी उसको मैंने ऑटोवायर किया है। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक गेट गेट सर्विस स्टूडेंट को डिटेल फेच करने के लिए मैं एक गेट मैपिंग यूज़ करके एक हैंडलर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं स्टूडेंट की आईडी पास करूँगा, अगर वो स्टूडेंट अवेलेबल होगा तो हमें स्टूडेंट को रिटर्न कराना है। अगर जो हमने आईडी पास की है और वो स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है तो हमें एक कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक कस्टम एक्सेप्शन रेडी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर बनाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट, यहाँ पे न्यू, देन क्लास, यहाँ पे पैकेज का नाम दे देते कॉम डॉट ओके एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्लास का नाम स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर हैंडलर, ठीक है, देन फिनिश। तो इसको क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन को, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन क्या हुआ, रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, देन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वार्निंग आ रही है, सीरियल आईडी, फाइन। और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, पब्लिक स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करता हूँ, राइट, स्ट्रिंग जैसे हम कोड जावा में करते थे उसी तरीके से, मैसेज, एंड यहाँ से सुपर को कॉल करेंगे और मैसेज मैसेज क्या हुआ, मैसेज ओके फाइन। अभी हमारा स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर रेडी हो गया। अभी हम रिस्पांस में क्या क्या भेजने वाले हैं उसके लिए मैं एक क्लास और बनाऊंगा, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं नहीं यहाँ पर रिस्पांस, तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे एरर रिस्पांस एरर, ठीक है, एरर रिस्पांस फिनिश। यहाँ पे हम क्या क्या भेजने वाले हैं रिस्पांस में, बोलेंगे एक स्ट्रिंग मैसेज एंड लोकल डेट टाइम, टाइम स्टैम्प भी भेज देते हैं, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, ठीक है,
एंड आर क्या बेचेंगे हम, एरर एरर कोड, ठीक है। ये हम जब कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, ये तीन चीज़ हम रिस्पॉन्स में भेजने वाले हैं, तो इसके लिए हम गेटर सेटर बना लेते हैं। यहाँ पे गेटर सेटर हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉर्मेट किया, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया, एरर रिस्पॉन्स क्लास रेडी हो गया, एक्सेप्शन स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर रेडी हो गया। अभी क्या करना है, हम स्टूडेंट कंट्रोलर में जाते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने इस सर्विस को ऑटोवायर किया है सर्विस डॉट, वहाँ से मेथड कॉल करेंगे फेच स्टूडेंट बाई आईडी। यहाँ से हमें आईडी के बेस पे स्टूडेंट मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे हम, थ्रो और एल्स थ्रो, यहाँ पे हम लैम्डा यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन न्यू स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर। और यहाँ पे हम मैसेज पास करेंगे, दिस स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट विद दिस आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम आईडी पास कर देते हैं स्मॉल, एंड नाउ, ठीक है। अभी हम इसमें ये हो गया, यहाँ से स्टूडेंट रिटर्न हो गया, इसमें यहाँ पे अभी ये जो रहेगा स्टूडेंट रिटर्न होगा, रिटर्न, ठीक है। अगर आईडी के बेस पे स्टूडेंट मिल जाता है तो स्टूडेंट रिटर्न, नहीं तो यहाँ से ये एक्सेप्शन थ्रो होगी, और हम यहाँ पे एक हैंडलर बनाएंगे, हैंडलर कस्टम, हैंडलर कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलर, ओके। अभी एक्सेप्शन हैंडलर यहाँ किस टाइप के एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं हम, स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर जो हमने क्रिएट की थी वो डॉट क्लास, ठीक है। और इसमें हम उसको पास करेंगे स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर को ईएक्स फाइन। अभी जो हमने एरर रिस्पॉन्स क्रिएट किया था, अभी हम उसको रेडी करेंगे। रिस्पॉन्स में हम क्या भेजने वाले, एरर रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स न्यू एरर रिस्पॉन्स, ओके। देन रिस्पॉन्स में हम सेट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज, हमारा क्या होगा ईएक्स डॉट गेट मैसेज, ठीक है। जो मैसेज जो थ्रो होगा वो मैसेज आएगा इसमें, रिस्पॉन्स डॉट सेट, यहाँ पे टाइम स्टैम्प, लोकल डेट टाइम, ओके,
लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, जो भी टाइम होगा वो सेंड कर रहे हैं रिस्पॉन्स के साथ। रिस्पॉन्स यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट एरर कोड HTTP स्टेटस, स्टेटस यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आईडी नहीं मिलती है उस आईडी के बेस पे तो नॉट फाउंड, स्टेटस एरर को नॉट फाउंड सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ओके ओके HTTP स्टेटस पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या लिया है स्ट्रिंग, ओके यहाँ पे HTTP स्टेटस, ठीक है फाइन। यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं HTTP स्टेटस, ओके फाइन। तो अभी हम यहाँ पे HTTP स्टेटस पास कर सकते हैं एरर कोड में। एंड देन अभी हमें यहाँ पे रिटर्न कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स को भेजने के लिए। रिस्पॉन्स एंटिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट, ओके देन रिटर्न रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी, ओके ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम पास करेंगे रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स ही पास किया है, देन HTTP स्टेटस ये नॉट फाउंड फाइन, ओके यहाँ पे नहीं आएगा फाइन। तो अभी हमारा ये एक्सेप्शन कस्टम एक्सेप्शन बन के रेडी हो गया है। एक बार मैं रिकैप फिर से कर देता हूँ। ये देखो हमारा ये गेट सर्विस है, हम यहाँ से स्टूडेंट की डिटेल फेच करेंगे आईडी के बेसिस पे। ये देखो यहाँ पे आईडी मिल जाएगी तो वो स्टूडेंट रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलती तो हम क्या करें, एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। तो हमने एक स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर बनाया था, ये देखो बाई एक्सटेंडिंग द रन टाइम एक्सेप्शन। देन हम एरर रिस्पॉन्स में क्या भेजने वाले हैं, रिस्पॉन्स में क्या क्या भेजने वाले हैं, उसमें हमने देखो यहाँ पे मैसेज लोकल टाइम डेट एंड द एरर कोड, ये तीन चीज़ भेजने वाले हैं। और यहाँ पे गेटर सेटर बनाया है उसका। देन ये देखो एक यहाँ पे एक हैंडलर बनाया है, उस हैंडलर में देखो स्टूडेंट एक्सेप्शन हैंडलर एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर यूज़ किया है। एंड देन रिस्पॉन्स एंटिटी की हेल्प से हम उस रिस्पॉन्स को बाइंड कर रहे हैं और इसको भेज रहे हैं एंड थ्रो कर रहे हैं। तो चलिए अब इस सर्विस को टेस्ट करते हैं कि हमारा कस्टम एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है नहीं, जब हमारा स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है उस आईडी से, उस आईडी के साथ। तो चलिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, चलिए हम चलते हैं। एंड देन पोस्टमैन में इन द गेट स्टूडेंट बाई आईडी, मैं 6 नंबर पास कर रहा हूँ आईडी का आईडी। तो अभी जो 6 नंबर से रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है डेटाबेस में, तो यहाँ पे आना चाहिए सेंड, ओके सेंडिंग द रिक्वेस्ट, सेंडिंग सेंडिंग, ओके ये देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट गेट आईडी मतलब 6 नंबर का जो आईडी है वो अवेलेबल है। अगर हम कोई रैंडम आईडी पास करते हैं जो आईडी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं वो हमारा कस्टम एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए और हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में मिलना चाहिए कस्टम एक्सेप्शन का जो रिस्पॉन्स होगा वो। ये देखिए
तो हमने क्या पास किया, 11, जो कि ये देखो स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट विद दिस आईडी 11 ये, एंड द टाइम स्टैम्प ये आ गया, एरर कोड नॉट फाउंड, फाइन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है रिजॉल्व कस्टम एक्सेप्शन, ये अगर जो आईडी पास कर रहे हैं तो यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बनाई, आपका कोई दूसरी सर्विस होगी, दूसरी API होगी, उसके लिए कोई दूसरा एक्सेप्शन अरेज हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप कितनी भी एक्सेप्शन बना सकते हो इस स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर कितनी भी। बट अभी क्या हो रहा है कि हम अगर हमारा कोई दूसरा कंट्रोलर होगा तो उसमें भी अगर सेम काइंड की एक्सेप्शन आएगी तो हम क्या करेंगे, उस कंट्रोलर में भी हमें राइट करना रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्लोबल एक्सेप्शन बना सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में, वो सभी कंट्रोलर के लिए एप्लीकेबल होगा। ये हमने अभी क्या किया, एक स्पेसिफिक कंट्रोलर के लिए एक एक्सेप्शन बनाई, कस्टम एक्सेप्शन, और उसको थ्रो किया। ऑलराइट, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।